यार ऊपर कोई भी ना आ रहा, जो कोई भी नहीं जाना, दरवाजा बंद कर दे। हां जी सब बंद कर दे उसे। मैं ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा हूं, ये स्टेयर्स हैं। ये स्टेयर्स हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये सेकंड फ्लोर की स्टेयर्स हैं। ये सेकंड फ्लोर का रूम है। ये फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स। ये कमरे का दरवाज़ा बंद है और ये फर्स्ट फ्लोर का मंजर है। प्रकाश स्थान गुरु द्वारा दुलताला और ये सुखासन की चौकाट अभी तक बाकी है। ये आप देखें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मेहनत के साथ जो है वो कंक्रीट के साथ तैयार करता देखते निशान साहिब जो है बनाया गया। आए मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसका बाहर का मंदिर दिखाता हूँ। ये ईस्ट साइड का गुरुद्वारे के अंदर टोटल 4 कमरे हैं, एक मेन हॉल है। गुरुद्वारे के आगे जो बरामदा था वो गिर चुका है। ये मेन एंट्रेंस है इसकी फर्स्ट फ्लोर की। सॉरी, ये विंडो थी जो कि रोशनी के लिए रखी गई है गुरुद्वारे में। उसके बाद जो है वो ये आपको ड्योढ़ी का एंट्रेंस, ड्योढ़ी का जो है वो मंजर है, बहुत बुरी हालत में, किसी वक्त भी डिमोलिश हो जाएगी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आंखें बंद की हुई है, इस गुरुद्वारे का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये लेफ्ट साइड है, पहले मैं राइट साइड पे था। ये आप देखें, ये निशान गुरुखंडा और ये फर्स्ट फ्लोर की ग्रिल और ये विंडोज और नीचे ये कुछ अलमारियाँ हैं। लेफ्ट साइड पे अलमारियाँ नहीं हैं, लेफ्ट साइड पे सिर्फ वो खिड़कियाँ हैं। और ये सुखासन है, सुखासन गुरुद्वारा दुलताला, प्रकाश स्थान गुरुद्वारा दुलताला, नॉर्थ वेस्ट में जो गुरुद्वारे हैं ये उनका स्टाइल इसी तरह का है। कुछ पुराने गुरुद्वारे मैं पहले भी दिखा चुका हूँ और ये दरवाज़ा बंद किया हुआ है क्योंकि कुछ अरसे तक तो इसमें पहले स्कूल चलता रहा और उसके बाद फिर इसको जो है वो बंद कर दिया गया, लेकिन बच्चे अभी भी इसमें एज ए खेल खेलते हैं, अंदर आ जाते हैं और खेलते रहते हैं सारा दिन इस गुरुद्वारा के अंदर। असल में बारिशों की वजह से इस गुरुद्वारे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और ये गुरुद्वारे के अंदर पहला गुरुद्वारा देख रहा हूँ कि जिसकी बालकनी जो है वो मुकम्मल आयरन की बनी हुई है, इसमें वुड का यूज़ बहुत कम है। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो गुरुद्वारे दिखाएँ सब में वुड का वर्क ज़्यादा होता था और इसमें आयरन का है। और आयरन की ग्रिल आप देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है। ये बाहर निकलते हुए जी, ये शेड देखें, ये गुरुद्वारे की ये शेड गिर चुकी है, ऊपर की शेड आधी गिर चुकी है और आधी बाकी है। और ये देखें आप, मैंने जो आपको गली से जो दिखाया था पार्ट, वो हिस्सा जो है वो तकरीबन गिरने वाला है, बस एक बारिश और हुई तो ये गिर जाएगा। और ये देखें, ये कुआं है जो कि हर गुरुद्वारे के अंदर जो है एक कुआं होता है और इस गुरुद्वारे में भी कुआं अभी तक मौजूद है, उसके निशानात। और ये देखें आप, ये बरामदे के पिलर देखें आप,
اس قدر مضبوط ہیں کہ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آگے کا برآمدہ جو ہے وہ پورا گر چکا ہے. یہ ساتھ کچھ اسٹرکچر آپ کو نظر آئیں گے, پری پارٹیشن ہے, 1947 کا آرکیٹیکچر ہے. یہ دیکھیں کچھ یہاں سے اور کچھ میں ویو آپ کو چھت سے دکھاتا ہوں. ابھی میں اس کا آپ کو سیکنڈ فلور دکھاتا ہوں. سیکنڈ فلور کے اوپر کچھ ہے تو نہیں, لیکن ایک راستہ باقی ہے ابھی بھی. یہ ایک سیوا کار کا گھر ہے جو کہ ابھی تک موجود ہے. آئیے اب آپ کو میں سیکنڈ فلور کی طرف لے چلتا ہوں. یہ ویو تھا فرسٹ فلور سے. فرسٹ فلور سے میں آپ کو گرودوارے کا مین ہال نہیں دکھا سکا, وہ میں نے آپ کو فرسٹ فلور سے دکھایا بیکاز وہ اس وقت لاک ہے. اگر کھلا رہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بچے خراب کر دیں گے, وہ توڑ دیں گے, اس لیے انہوں نے اس کو لاک رکھا ہوا ہے مین ہال کو. یہ گرودوارے کا جو ہے وہ مین, یہ چھوٹا سا اسٹور ہے, یہ چھوٹا سا ایک اسٹور ہے ساتھ فرسٹ فلور کے اوپر, ڈیوڑی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے. اور یہ پورا گرودوارے کا منظر آپ کو نظر آ رہا ہے, ڈبل اسٹوری بیوٹیفل گرودوارا دولتالا. یہ گرودوارا صاحب کی چھت ہے. گرودوارا صاحب کی چھت سے آپ کو بہت سے نئے اور پرانے آرکیٹیکچر نظر آئیں گے. یہ ایک سکھ ہاؤس ہے, پری پارٹیشن. یہ بھی ایک آپ کو ایک حویلی جو ہے وہ پری پارٹیشن کی نظر آ رہی ہے. دولتالا جو کہ سکھ کلچر کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا, نزدیک ترین راول پنڈی اور یہ جہلم کے درمیان میں آتا ہے, کچھ چکوال کا علاقہ بھی اس کے ساتھ لگتا ہے. یہ تمام آرکیٹیکچر دیکھیں آپ, ڈسمینٹل ہو رہے ہیں اور ان کو ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں یہ گرودوارے کی ٹاپ ڈیوڑی ہے سیکنڈ فلور کی, اور یہ دیکھیں آپ یہ انٹرنس ہے. کون سا یہ آپ دیکھیں, اس میں جو ہے بہت زیادہ سارا پرانا آرکیٹیکچر آپ کو نظر آئے گا یہاں سے. دولتالا گرودوارا, دولتالا نیئر چکوال راول پنڈی. میں آپ کا اپنا ہوسٹ بابا جی, پھر ملیں گے کسی اور گرودوارے کے ساتھ.